पाकिस्तान ईरान पाइप गैस लाइन के हवाले से अभी एक आपने वर्किंग कमेटी एक ग्रुप बनाया है जो उसको देखेगा, लेकिन मामलात कहाँ पे हैं इस वक्त? क्योंकि जो खबरें आई थी और ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि वो आलमी अदालत में जाएंगे, शायद पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो उस पर कुछ अपडेट दे दीजिए कि वो मामला कहाँ पे है इस वक्त, स्टेटस क्या है उसका? एक तो ये है कि ज़रा पेचीदगी है इस तरह एक सेंसिटिव मामले को टेलीविज़न पे लेकर आना, और वो चीज़ें जो खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं और सेंसिटिव जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे इरिस्पॉन्सिबल तबसरा करना ज़रा मुश्किल काम है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर डिटेल्ड बात ना करें, लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हम तमाम चीज़ें तय करना चाहते हैं, और हमारी हमेशा से बात यही रही है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें सस्ती एनर्जी की ज़रूरत है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसे बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं उसके हम खा हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना हो उस पूरे तरीक़ाकार में जिसके ज़रिए पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाए। पाकिस्तान एक गरीब डेवलपिंग मुल्क है, वो सैंक्शंस का मुतहम्मिल, ग्लोबल सैंक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हमारे तमाम हमसाया ममालिक से हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, बिलखसूस ईरान से। तो कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह।